नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके सामने फिर से बड़ा ही आसान नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बड़ा ही आसान पैटर्न है, 4 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है और उसको बाद हमने रिपीट करते हुए चलते जाना है। तो यहाँ सैम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर 15 फंदे ले लिए हैं। तो इसके लिए आप किसी भी नंबर के फंदे ले लें तो आपका ये डिज़ाइन बन जाएगा। वैसे 8 नंबर लेंगे तो उससे हमारा ये डिज़ाइन परफेक्ट आएगा। तो सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है, नीचे सीधी सीधी 4 सिलाइयाँ बुनी हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी बॉर्डर बनाइए और उसके ऊपर ही हम इस डिज़ाइन को बना लेंगे। ये बड़ा ही आसान पैटर्न है, इसे हम बेबी फ्रॉक्स के ऊपर बना सकते हैं, कार्डिगन्स बना सकते हैं, इसे जैकेट बना सकते हैं, मफलर भी बन जाते हैं और शाल में भी ये डिज़ाइन बड़ा प्यारा बनकर आता है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पैटर्न की फर्स्ट रो आ गई, राइट साइड से हम इस डिज़ाइन को शुरू करेंगे। तो देखें, पहले हमने एजिंग का एक फंदा बिना बुने हुए उतार लिया, धागे को अपनी तरफ करके इस तरह से अगला फंदा हमने सीधा बुन लिया, फिर धागे को अपनी तरफ किया और अगला फंदा हमने फिर से सीधा बुन लिया। तो इससे हमारा एक एक फंदा जो है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। तो हर फंदे के साथ हमने इसी तरह से बुन के आगे करके फंदे धागे को और अगला फंदा हमने सीधा बुन लेना है, फिर धागे को आगे करना है और अगला फंदा सीधा बुन लेना है। इस तरह से हमने ये पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है, लास्ट का जो एजिंग का फंदा है वहाँ तक। ये देखिए, हमारी फर्स्ट रो जो है पैटर्न की वो कंप्लीट हो गई है। अब आ गई सेकंड रो पैटर्न की, रॉन्ग साइड। उल्टी तरफ से देखिएगा आप, हमने जो फंदा को बढ़ाया था यहाँ पे सीधी सिलाई में, उसको हम कैसे कम करेंगे। तो उसके लिए देखिए, पहले हमने एजिंग का फंदा उतारा बिना बुने हुए। अब देखें, इस तरह से फंदे को खींच के जो फंदा बुना था उसको उतार के खींच लेंगे, ताकि जो बनाया हुआ फंदा था वो उसका धागा जो है वो खुल जाएगा और यहाँ पे हमारी ये जो फंदे की लूप है ये बड़ी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हमने इन दोनों फंदों को आपस में इंटरचेंज करना है, पिछला फंदा आगे ले आना है और अगला पीछे करके दोनों को उल्टा बुन लेना है एक एक करके। फिर से देखिए, ये खींच के हमने इसको, ये देखिए इसको छोड़ दिया, जो धागा हमने लपेटा था वो खोल के हमारे ये फंदे जो हैं, दोनों इसकी लूप्स जो हैं वो बड़ी हो गई। अब इन दोनों फंदों को हमने इंटरचेंज करके उल्टा बुन लेना है। फिर से ध्यान दीजिएगा, ये देखें, इससे हमारे फंदे कम भी हो रहे हैं और हमारी जो ये फंदों की लूप्स हैं ये बड़ी भी हो रही हैं। और इंटरचेंज करके हमने बारी बारी इन दोनों फंदों को उल्टा बुन लेना है। इसी तरह से हमने दो दो फंदों को खोलते जाना है, इंटरचेंज करके उल्टा बुनते जाना है और ये सेकंड रो हमने पैटर्न की कंप्लीट कर लेनी है। देखिए, लास्ट में अगर हमारे पास एक फंदा बच जाता है तो हमने लपेटे हुए धागे के साथ उसका एक ही कर लेना है और लास्ट का एजिंग का हमने इस तरह से बुन लेना है। राइट साइड आ गई हमारी पैटर्न की थर्ड रो। थर्ड रो को फिर से हमने रो वन की तरह ही बनाना है सेम से, और इसको हमने रिपीट करना है। देखें, इस तरह से हर एक धागे से पहले धागे को लपेट के और अगला धागा हमने सीधा बुन लेना है। तो जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी वैसे ही थर्ड रो को कंप्लीट करेंगे।
हमारी रॉन्ग साइड आ गई पैटर्न की फोर्थ रो। तो इसको भी हमने जैसे सेकंड रो बनाई थी वैसे ही बनाना है। धागे को हमने अच्छे से स्ट्रच करके दो लूप्स को बड़े करके और इंटरचेंज करके हमने दोनों को उल्टा बुन लेना है। तो दो दो फंदों को इस तरह से खींचते जाएंगे और जो एक्स्ट्रा हमारा फंदा था उसको कम करते जाएंगे और साथ में लूप्स को इस तरह से लंबा करके और यहाँ पर हमने इंटरचेंज करके इसको उल्टा बुन लेना है। तो इस तरह से हमने रो टू की तरह ही हमने रो फोर को कंप्लीट करना है रॉन्ग साइड से। अब हमारी रो फिफ्थ आ गई। चार सिलाइयों में हमने डिज़ाइन बना लिया जो कि दो का ही है और हमने इसको डबल बार बनाना है। उसके बाद हमारी फिफ्थ रो है पैटर्न की, इसको हमने सारे फंदे जितने भी हैं हमारे वो सीधे बुनते हुए बनाने हैं क्योंकि बीच में हमें एक लाइन डोरी की चाहिए, डोरा जैसे बनाते हैं वैसी एक लाइन चाहिए। तो उसके लिए अगले चार सिलाइयाँ बनाएंगे हम। उसके लिए हम क्या करेंगे, तीन सिलाइयाँ जो हैं जैसे मैं अभी बना रही हूँ फिफ्थ रो, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये तीनों हमने सीधे फंदे बनाते हुए बुननी हैं और उसके बाद एट्थ रो जो होगी वो हमने उल्टे फंदों के साथ बनानी है। तो देखें ये फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई सीधे फंदों से। सेवन्थ को भी ऐसे ही बनाएंगे हम, उल्टी तरफ से भी हमने सीधे फंदे ही बुनने हैं। सेवन्थ रो भी हम सीधी ही बुनेंगे, सीधे फंदे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। अब हमारी ये एट्थ रो है और एट्थ रो में हमने सारे फंदे उल्टे बनाते हुए कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फिर से हमने स्टार्टिंग से जैसे फर्स्ट रो से हमने धागा आगे करते हुए फंदे बनाए थे उसी तरह से हमने फर्स्ट रो को फिर से रिपीट करना है और इसी तरह से हमने ये आठ रो जो हैं वो फिर से रिपीट करनी है और इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनता हुआ चला जाएगा। तो ये देखिए लुक वाइज ये बड़ा ही प्यारा बनता है। आप इसे शॉल बनाइए, मफलर बनाइए, बेबी स्वेटर्स बनाइए, बेबी फ्रॉक्स बनाइए, चाहे इसे कार्डिगन बनाइए, जैकेट बनाइए, बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन बनकर आता है जाली वाला। और बीच में हमने एक एक चार सिलाइयाँ जो हमने सीधी और एक उल्टी बनाई है उससे बीच में डोरा बनता जाता है। तो ये देखें दूसरे रंग में मैंने बनाया है तो ये कुछ इस तरह से इसकी लुक आई है। देखें ये जो हमने सीधी सिलाई बीच में बनाई थी इसे एक बीच में सीधी सिलाई का डोरा बन जाता है और उल्टी तरफ से देखें इस तरह से दिखता है। कार्डिगन बनाएंगे तो बड़ा ही प्यारा बनेगा इससे, जैकेट्स भी बना सकते हैं, हाफ जैकेट भी बनाएंगे तब भी बड़ी प्यारी इसकी लुक आएगी। साथ में जाली बनती जाएगी और बीच में हमने चार सिलाई इस तरह से बनानी है और हमारा ये डिज़ाइन रिपीट होता होता बड़ा ही प्यारा बनता जाता है। ये देखें इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बड़ा ही प्यारा बनेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। आप इसको किसी भी रंग में बना सकते हैं। अगर आप दो रंग में बनाना चाहते हैं तो चार सिलाइयाँ आप एक रंग से बनाइए और जो बीच की चार सिलाइयाँ हैं वो अलग रंग से भी बना सकते हैं, उससे भी एक डिफरेंट लुक आ जाती है। बेबी फ्रॉक्स बना रही हैं तो उस पर आप दो रंग से भी बना सकते हैं, नहीं तो एक रंग में भी बड़ा प्यारा ये बनकर आता है।
बॉर्डर के बिना अगर आप बनाएंगे तो नीचे आप फ्रिल वाला, जो क्रोशे से भी बना सकते हैं फ्रिल वाला डिज़ाइन, तो उससे भी इसकी जो है बॉर्डरिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप बॉर्डर बनाने के बाद भी इसको बना सकते हैं। तो फिर ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।